पत्ता बर्गर खाने की इच्छा रखें, चाहे वो चावल भात खाएं, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो किसान किसानी छोड़ देगा और वो नए बच्चे भी किसानी छोड़ देंगे तो खाना कौन उगाए पब्लिक के सेल्फिशनेस के लिए? नहीं तो कौन फार्मिंग करेगा, कौन एग्रीकल्चर करेगा? हम सिर्फ CA चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर्स बन के रह जाएंगे, लैपटॉप चला लेंगे, खाना क्या हम प्लास्टिक से खाएंगे? है कि आम एक ऐसा फल है जिसे सभी चाहते हैं और ये फल स्वादिष्ट तो होता ही है मगर अब किसानों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आया है। इसके पीछे की वजह क्या है और अब आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए हम सीधे जानते हैं समाज सेवी, जी हाँ, जसमीत सिंह अरोड़ा, जो कि काफी ज्यादा सोशल वर्क करते हैं बिना निस्वार्थ के, और चलिए उनसे जानते हैं कि किस कदर वो किसानों की मदद कर रहे हैं। महज देश भर के कई राज्यों से वो सीड इकट्ठे कर रहे हैं मैंगो के, और जो कि वो एक पेड़ में तब्दील करेंगे और किसान को भेंट करेंगे। पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको बधाई कि आप एक उत्तम कार्य कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए जो कि हमारे अन्नदाता हैं। तो सर कहाँ से ये आइडिया आया कि हाँ हम इस तरह किसानों की मदद करें कि देश भर के कई राज्यों से जो एकत्रित करें आम के बीजों को, फिर उसे पेड़ में तब्दील कर फिर जाके उन्हें भेंट करें किसान भाइयों को? मैं बेसिकली एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और बिजनेस कोच भी हूँ, तो कहीं ना कहीं से जब मैं लोगों को कोचिंग देता हूँ या लोग मेरे से क्वेरीज पूछने आते हैं तो मैं देखता हूँ कि सिटी के जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ के, इतनी अच्छी उनके पास तालीम होने के बावजूद, इतनी अच्छी कोचिंग्स, इतने अच्छे हैंड होल्ड्स, इतना अच्छा सब कुछ, मतलब उनके पास बहुत बढ़िया स्कूल्स की कॉलेज की एलुमनीज भी हैं, उसके बावजूद भी वो कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से सक्सेस के रस्तों पर चलूं। तो वहीं से क्या है, चूँकि मैं बहुत सारी सोशल सर्विस के साथ इन्वॉल्व हूँ, मेरा गाँव देहात में बहुत जाना होता है, तो मैंने समझा कि अगर ये बच्चा इतना कन्फ्यूज़ है तो इसका मतलब किसान का बच्चा तो और भी पूरा कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसके पास तो ना इतनी बढ़िया तालीम है, ना उसके पास इतने बढ़िया स्कूल्स हैं। तो आज जब पूरा रिसर्च किया तो रिसर्च करके देखा कि जो आम किसान है वेस्ट बंगाल का, वो पैडी फार्मिंग करके बहुत, मतलब एक एकड़ लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये साल के कमाता है, जो कि 2,000 रुपये से भी कम है महीने का, उसमें वो अपना पूरे परिवार चला रहा है। तो आज अगर मैं किसी को ये ओपन क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे शहर के बच्चे सभी चाहेंगे कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना, अलग अलग तरीके के नए कैरियर्स भी आजकल आ गए हैं, AI का ज़माना है, लेकिन क्या कोई ऐसा कैरियर चुनना चाहेगा जिसमें 2,000 रुपये से भी नीचे की कमाई हो? तो शहर का कोई बच्चा हाँ नहीं बोलेगा। तो फिर ये किसान का बच्चा, ये किसान के बेटा बेटी कैसे हाँ बोलेंगे? इसका मतलब वो भी किसानी छोड़ देंगे। तो आज मेरा तो ओपन सारे स्कूल्स में मैं जाता हूँ, कलकत्ते के बहुत सारे, मोर देन 30 स्कूल्स, मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन सब ने मेरी इस वॉर क्राई को, मतलब बहुत जोश खरोश से उसका स्वागत किया, और मेरे को हर स्कूल में बुलाया जाता है, मैं गया हूँ, मुझे बहुत बड़े बड़े नंबर से आम की गुठलियाँ दी जाती हैं। अब आज इन बच्चों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज ये बच्चे जो हैं अगर किसानी छोड़ रहे हैं तो इनको पढ़ा तो स्कूल के टीचर्स रहे हैं, घर में इनकी परवरिश इनके माता पिता कर रहे हैं, तो खाना तो इनके लिए उगाता वो किसान है ना, चाहे वो पिज़्ज़ा बर्गर खाने की इच्छा रखें, चाहे वो चावल भात खाएं, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो किसान किसानी छोड़ देगा और वो नए बच्चे भी किसानी छोड़ देंगे तो खाना कौन उगाए? तो कहीं ना कहीं से ये सारा जो इनिशिएटिव है वो ये इनिशिएटिव है कि हमारा किसान भाई भी एक कुछ ऐसे बिजनेसमैन बन सके, ऐसे कुछ मुहिम में रह सके, ऐसा कुछ काम में रह सके जहाँ वो भी कहलाए कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिर्फ चावल की खेती से नहीं होगा, उसके लिए उसके पास कुछ एक ऐसा देना पड़ेगा जो वो कहे कि हाँ भी मेरे पास हज़ारों की तादाद में है। अगर एक किसान के पास हज़ारों की तादाद में मैंगो हो या कोई दूसरा फल भी हो तो वो इसके बारे में ट्रेडिंग कर सकता है, वो रेट बांट सकता है। लेकिन किसी के पास, आज हमारे को आदत ही तो है, कोई बंदा हमारे पास अगर ले आए कि ये मेरा अमर गाछेर फल आछे, तो अगर वो कहता है अमर गाछेर फल आछे तो हम लोग तो बोलते हैं ना, रखे जाओ और 50 टका 100 टका नहीं है जाओ, उसको कौन दाम देता है? मार्केट का रेट उसको कोई नहीं देता। लेकिन द डे जिस दिन उसके पास 1,000-10,000 फल की क्वांटिटी होगी तो वो अपने दाम मांग सकता है। जैसे ही वो दाम मांगेगा तो वो एक ट्रेडर बन सकता है और एक बिजनेसमैन बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फार्मिंग में रह सकती है, तो फार्मिंग में रहना उनका बहुत ज़रूरी है।
हमारे स्वार्थ के लिए, हमारी सिटी पब्लिक के सेल्फिशनेस के लिए, नहीं तो कौन फार्मिंग करेगा, कौन एग्रीकल्चर करेगा। हम सिर्फ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स बन के रह जाएंगे, लैपटॉप चला लेंगे, खाना क्या हम प्लास्टिक से खाएंगे? खाना किसी न किसी को तो उगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे मैंगो सीड्स मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंगो अपने आप में एक बड़ा विचित्र सा पेड़ है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेड़ है। इसको बहुत ही, इसकी जर्मिनेशन रेट बहुत कम है, क्योंकि लास्ट 30-40 साल से कोई इसको नहीं लगा रहा है, क्योंकि 12 से 15 साल इसको लगते हैं उगने में, इसलिए कोई इसको लगा ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि ये हो गई है, साथ में लाभ भी मिले, लाभ भी हो गया। प्लस क्या है, मैंगो का जो पेड़ है वो आम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबको अच्छा लगता है, इवन कीड़े मकौड़ों को भी अच्छा लगता है। वो कीड़ों मकौड़ों के चक्कर में चिड़िया उनके ऊपर आती है, और वो चिड़ियों के चक्कर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा क्रॉस पॉलिनेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आम का पेड़ ही प्रदान कर सकता है। तो आम का पेड़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, तो जर्मिनेशन रेट 10% से नीचे है। हम क्या करते हैं, गुठलियाँ सारे इंडिया से एकत्रित कर रहे हैं, उसको जर्मिनेट कर रहे हैं, सैपलिंग बनाकर उसकी ग्राफ्टिंग करके 3 से 4 साल वाला पेड़ बना के उसको हम हैंडओवर कर देते हैं किसान भाइयों को, सो दैट एकदम पक्के तौर पे वो पेड़ उगे। सर, ये जो किसान भाई, मतलब ये पश्चिम बंगाल में ही दे रहे हैं मतलब किसानों को, या देश के बाकी राज्यों में भी किसानों को दे रहे हैं? अभी फिलहाल हमने ये जो मुहिम है हमारी, ये बंगाल के किसान के साथ है। जैसे इनके हमारी इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो फिर हम, जैसे हमारे को बहुत सारी कॉल आती है मेरे को एवरीडे। मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो आज से 3 महीने पहले बनाया था, और वो वीडियो पता नहीं ईश्वर की कृपा से कहाँ कहाँ पहुँचा है, मुझे खुद नहीं मालूम, कि मुझे देश विदेश से भी कॉलें आती हैं। और अभी तो ये हो गया है कि लोग पूरे इंडिया से मुझे मैंगो सीड्स भेजते हैं, और देश विदेश विदेशों से भी भेज रहे हैं, और कलकत्ते से तो लोग दे ही जाते हैं। तो आज ये सीड्स जितने हमारे पास आ रहे हैं, चूँकि 10% जर्मिनेशन है, क्वान्टिटी में तो बहुत है, मोर देन 10 लाख सीड्स मेरे पास आ चुके हैं अभी तक, तो क्वान्टिटी में बहुत है, लेकिन पेड़ इनके कम ही निकलेंगे। और एक बार बंगाल का किसान का पूरा काम हो जाए, तो हम जो हमारे को रिक्वायरमेंट दूसरे स्टेट से आ रही है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और एक उम्दा पहल के लिए। तो ये थे जसमीत जी, जो कि एक कह सकते हैं उत्तम पहल इन्होंने की है, और इनकी इस पहल में अगर आप भी साथी बनना चाहते हैं, तो आप कहीं भी बैठे किसी भी राज्य में हो, आप इन्हें सीट भेजें, ताकि ये किसान भाइयों की, जो हमारे देश के अन्नदाता कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है, कहते हैं ना कि बड़ा क्यों ना कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, और चाहे फिर छोटा मोटा कोई आपका व्यवसायी हो या व्यवसाय करता हो, खाना तो वही किसान के हाथों से जो फसल उगते है उसी के बेसिस पे खाना बनता, वो उन्हें ग्रहण करते हैं। तो आप भी जहाँ भी बैठे हैं मदद कीजिए जसमीत सिंह की। जिनको भी किसान, जिनको भी सीड्स भेजना है, मेरा नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, 9831459390। मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप अपने मुझसे जान सकते हैं कैसे आप अपनी मैंगो गुठलियां मुझे भेज सकते हैं। बिल्कुल, तो बस देर मत कीजिए, अभी से फोन कीजिए और एक अच्छे नेक काम में जुट जाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना, देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24।